नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से लगभग 125 किलोमीटर दूर पचमढ़ी को मध्य भारत का कश्मीर कहा जाता है। इस स्थान पर प्रकृति से रूबरू होने के लिए देसी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। बात की जाए तो पचमढ़ी के इतिहास तो काफ़ी पुराना बताया गया है। बताया जाता है कि इस स्थान पर पांडवों ने अपना अज्ञात वास भी काटा था, साथ ही यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने भी ध्यान लगाया था। पचमढ़ी एक समय पर गोंड राजाओं के अधीन था, साथ ही कोरकू जनजाति के आदिवासी यहाँ पर निवास करते थे। पचमढ़ी की सुंदरता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का श्रेय अंग्रेज के अधिकारी कैप्टन जेम्स फोरसेथन को जाता है। इतिहास में दर्ज है कि तात्या टोपे की तलाश में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जेम्स फोरसेथ पचमढ़ी आए थे। यहाँ पचमढ़ी की सुंदरता को देखकर कैप्टन जेम्स इतने मोहित हो गए कि उन्होंने यहाँ सेना का कैंप बनाने का फैसला लिया। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने पचमढ़ी के कई विकास कार्य किए। पचमढ़ी में ही भारत के वन विभाग की स्थापना हुई थी। आज भी वन विभाग का पहला हेडक्वार्टर यहाँ पचमढ़ी में मौजूद है, जिसे बायसन लाज के नाम से जाना जाता है।